यूपी के सहारनपुर के देवबंद में कोरोना वायरस को देखते हुए आरएएफ तैनात कर दी गई है। बता दें कि जिला सहारनपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 165 है, जबकि अकेले देवबंद में 93 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। इसलिए देवबंद को हॉटस्पॉट घोषित किया हुआ है और चारों ओर से रास्ते बंद कर दिए हैं, जिसके चलते पुलिस के साथ आरएएफ ने शहर के अंदर फ्लैग मार्च किया और लोगों से घरों के अंदर रहने की अपील की। इस दौरान सहारनपुर एसएसपी दिनेश कुमार पी ने बताया कि पुलिस के साथ पीएससी की भारी मात्रा में तैनाती हुई है ताकि लॉकडाउन का सही से पालन हो सके। पहली बात तो देवबंद हॉटस्पॉट है, बिल्कुल सही कह रहे हैं हम, इसको लेके घबराने की आवश्यकता नहीं है। पूरी तरह से पुलिस कंट्रोल पा चुकी है, जो कुछ भी नया केसेस आ रहे हैं वो उसी स्पॉट से आ रहे हैं और पहले से हम लोगों के द्वारा परीक्षण है तो भेजा गया, सैंपल लिया गया है और उन सैंपल में जो पॉजिटिव आए हैं उनके क्लोज कॉन्टैक्ट वाले अभी निकल रहे हैं। रैंडम सैम्पलिंग में भी ऐसे कोई खास मतलब वृद्धि नहीं है जिससे कि कम्युनिटी स्प्रेड की ओर मतलब धरने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल हम लोग कंट्रोल में हैं, जनता को परेशान होने की जरूरत नहीं है। देश की सीमा पर सेना जिस अदम्य साहस के साथ देशवासियों की रक्षा करती है, उसी अदम्य साहस का परिचय देते हुए कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स ने अपना फर्ज निभाया है। इसी जज्बे को सलाम करने के लिए सेना कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बात करें अगर मेरठ की तो मेरठ में भी दो जगह इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पश्चिम उत्तर प्रदेश सब एरिया कार्यालय में डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, सैनिटाइजर कर्मी सहित सभी कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया जिन्होंने इस काल में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। पुलिस लाइन में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश सब एरिया के डिप्टी जीओसी अनमोल सूद पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले शहीदों को श्रद्धांजलि दी और फिर पुलिस के उन सभी कोरोना वॉरियर्स का आभार व्यक्त किया जिन्होंने सड़क पर खड़े होकर लोगों को लॉकडाउन पालन करने का निर्देश दिया। नहीं, ये तो देश के प्रति प्रतिबद्धता साबित करता है और सभी लोग एकजुट होकर इस महामारी से, वैश्विक महामारी से लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके प्रति एकजुटता का संदेश है और ये बड़ा ही सराहनीय है और निश्चित तौर से इसे पुलिस जनों को कार्य करने में और ज्यादा प्रेरणा मिलेगी और मेहनत से काम करेंगे। लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से यूपी में खीरी में पुलिस और प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, जिसमें लखीमपुर खीरी जनपद में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा खुद भी जनपद मुख्यालय स्तर पर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट धारण कर पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया गया। लॉकडाउन का अक्षरशः अनुपालन कराने के लिए पुलिस और प्रशासन के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में आज पूरे जनपद में सभी थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया है, जिसमें यहाँ जनपद स्तर पर मैं और जिलाधिकारी महोदय इसमें हम लोग शामिल रहे हैं और सर्कल स्तर पर सभी सीओ और एसडीएम से फ्लैग मार्च में शामिल रहे हैं और जनता से अपील है हमारी कि जिस तरीके से अब तक सबने सहयोग प्रदान किया है, आगे भी लॉकडाउन का अनुपालन कराने में पुलिस और प्रशासन को सहयोग प्रदान करें और जितने भी हमारे कर्मचारी हैं ड्यूटी पर जो तैनात हैं वो सब पूरा जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं उनके साथ तैनात हैं। यूपी में चंदौली बलुआ के रामगढ़ में एक युवक की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां मामूली कहा सुनी को लेकर दबंग अभिषेक सिंह असला लेकर घर में ही घुस गया। यही नहीं, असला सटाकर पीड़ित राजन समेत पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देने लगा। हालांकि पीड़ित के परिजनों ने साहस दिखाते हुए असला सहित युवक को धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुटी है। दूसरे गांव के लड़कों से था, गांव लड़का बल्लीपुर का था, वहां पे हम पहुंचे, दोनों पक्ष को समझा बुझा के वहां से झगड़ा को हमने हटा दिया। हटाने बाद इन्हें कोई बाहरी लोग इनसे जाकर के इनसे कहते कि आपको ऋषभ सिंह ने गाली दिया है और ये मेरे घर पे मैं खाना खा रहा था, मेरे भाइयों से आके झड़प किए और यहां तक बोले, मेरे भाई लोग बहुत उनको समझा ले कि ये नहीं समझे और झड़प करते हुए इन्होंने कहा कि उनको बुला दीजिए तो हमको घर से घींच कर निकालना भी आता है मुझे, मतलब इतने गुंडई के साथ पूरा। जब मैं भी गया तो मेरे साथ अभद्रता की तरह शब्द प्रयोग करना, मैं बार बार समझा रहा था कि मैंने आपको गाली नहीं दी और इसी बात में बहस करते उन्होंने तुरंत पिस्टल निकाल के लोड करके मेरे ऊपर चढ़ा दिया। तीनों लोग, मेरे पिताजी और मेरा छोटा भाई, तीनों लोग हम उतर करके इनके हाथ का पिस्टल वही हाथ में ही इनके दबोचे रखे और चौकी इंचार्ज साहब को फोन करके, जब चौकी इंचार्ज साहब आए तो वो इनके हाथ से पिस्टल को बरामद किए और उसमें से मैगजीन उतार करके उसको अपलोड किए और रिवाल्वर और अपराधी दोनों को लेके चौकी पे गए, वहां से उन्होंने उनको थाना बुलाया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में 1200 छात्र छात्राओं को उनके गृह जनपद भेजा गया है।
बता दें कि सभी छात्रों को ईमेल, एसएमएस और कॉल करके जानकारी दी गई थी, जहां सभी छात्रों को रवाना करने से पहले उनकी स्क्रीनिंग की गई। इस दौरान एक्सपो मार्ट में छात्रों को पहले इकट्ठा किया गया, फिर चेकिंग की गई। स्टूडेंट्स को रवाना करने से पहले ही बसों को सैनिटाइज भी कर दिया गया। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से झांसी की मऊ रानीपुर प्रशासन ने नवीन गल्ला मंडी को बंद कर नगर की दमेले फील्ड में सब्जी मंडी खुलवाने की व्यवस्था की थी, जिससे नगर और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सब्जी के लिए परेशान न होना पड़े। लेकिन रविवार की शाम लगभग 4 बजे सैकड़ों की संख्या में तरबूज किसान मंडी के बाहर सड़क के दोनों तरफ काफी संख्या में ट्रैक्टर लेकर खड़े हो गए। जब जानकारी ली गई तो उन्होंने मंडी सचिव पर गंभीर आरोप लगाते हुए मंडी में तरबूज किसानों का प्रवेश वर्जित बताया। जब इस संबंध में मऊ रानीपुर मंडी सचिव राम कुमार साहू से जानकारी चाही तो उन्होंने बताया कि सरकार के आदेशों को ध्यान में रखते हुए और उच्च अधिकारियों के आदेशों के पालन के चलते किसानों के ट्रैक्टर मंडी में प्रवेश करने से मना कर दिया, जिससे कि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस का पालन हो सके, क्योंकि कुछ व्यापारियों द्वारा किसानों को भ्रमित कर उन्हें मंडी में तरबूज की खरीद करनी शुरू कर दी गई थी, जिसके चलते मंडी में सोशल डिस्टेंस और लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं हो रहा था। यहाँ पर मंडी गेट का ताला लगा रखा है और यहाँ पर पुलिस प्रशासन कह रही कि अपना अपने ट्रैक्टर लेके कहीं भी जाओ, यहाँ पर नहीं बिकेंगे। यहाँ पे नहीं बिकेंगे? नहीं बिकेंगे सर। अच्छा, आप लोग कब से या कितने बजे से खड़े हैं यहाँ? यहाँ हम 12 बजे से आ गए थे यहाँ और 4 बजने वाले हैं, अभी तक नहीं बिके हैं। अच्छा। और हर बार डाक यहाँ से 2 बजे से और 5 बजे तक हो जाती थी। अच्छा, एक महीने से यहाँ पर तरबूज बिक रहे हैं। एक्चुअल स्थिति ये है कि कोरोना वायरस के चलते प्रकोप की रोकथाम के लिए मंडी अपनी जो है नवीन सब्जी मंडी दमेले फील्ड में स्थानांतरित की गई। वहाँ पे 6 से 9 सब्जी मंडी प्रातः चलती है, परंतु कुछ दुकानदारों द्वारा बगैर परमिशन के वहाँ तरबूज का क्रय विक्रय 1 बजे से 5 बजे करने लगे और वहाँ पर अनावश्यक इतनी भीड़ इकट्ठी हो रही थी कि जिससे लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस के पालन होना संभव नहीं दिख रहा था। इसलिए उच्चाधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशानुसार इसको सभी किसानों से 3 दिन से किसान व्यापारियों से कह रहे थे, अनुरोध किया जा रहा था कि भाई यहाँ ना भीड़ लगाएं, ना यहाँ पे ना आए, यहाँ अनावश्यक भीड़ ना लगाएं। तो उसी के क्रम में उच्चाधिकारी जो आदेश दिए उन्हीं का पालन किया जा रहा है। देखिए, ये झांसी जिला है, तहसील मऊ रानीपुर। आज यहाँ पर जो मंडी खोली गई है कोविड-19 के चलते नया स्थान बनाया गया है, इस स्थान पे आज यहीं तहसील के 3-4 गांव के लगभग 200 ट्रैक्टर खड़े हैं तरबूज के, बेचने आए हैं किसान, लेकिन आज इनका कोई खरीददार नहीं है। क्यों नहीं है? खरीददार है, लेकिन शासन की अव्यवस्थाओं के चलते ये व्यापारी लेने को तैयार नहीं, क्योंकि यहाँ के सचिव ने रोक लगा रखी है। पंजाब में फाजिल्का के रिहायशी इलाके में खेतों में गेहूं की फसल में बिजली के तारों से स्पार्किंग होने से आग लग गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। इस बारे में बताते हुए खेत के मालिक ने बताया कि उन्होंने 6 एकड़ जमीन ठेके पर ले रखी है और इस फसल से पशुओं का चारा बनाना था, लेकिन आग लगने से उनको काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। वही मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड अधिकारी ने बताया कि उन्हें पुलिस कंट्रोल रूम से फोन आया था कि यहां पर स्पार्किंग होने से खेतों में आग लगी है, जिस पर हमने तुरंत काबू पाया। सर, पुलिस कंट्रोल रूम तो सानू सूचना दी थी भी इत्थे अपने जगदेव सिंह दी पहली दे नाड नू आग लगी जी, असी मौके ते आके आग ते काबू पाया जी। इत्थे ते ए जिहड़ी अपनी घटना हुई है, ये तार दी स्पार्किंग नाल दस रहे ने जी, तार स्पार्क हुई है उन्हें कारण होया जी। नाल रिहायशी इलाका भी है, कोई नुकसान तो नहीं? नहीं सर, कोई नुकसान नहीं जी, मौके से साड़ी फायर ब्रिगेड की गड्डी फाइल करते इन्होंने आग तो आगे काबू पा लिया जी। ठेके से जमीन ली सी जी, वेखो जी 6 किले, तो पहला तो कोरोना सानू मारी खड़ा है, वो तो ठेका इन्ना महंगा, कोई फसल तो कुछ नहीं बचे, आ दूजा लाइन लैके बह गई सानू मजा लाइट वाली, तूड़ी गर कुड़ी पशुआ जोगी, हूँ कितने जाइए की करिए। ये गौरमेंट कुछ सानू कुछ सोचे कुछ देवे कुछ, साढ़े तो अच एक थब्बी तूड़ी दी नहीं पई। Oh, oh, oh.